वित्त वर्ष 2022 और 23 के आम बजट की सराहना करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही अनेक नए अवसर बनाएगा। पीएम ने कहा कि ये बजट अधिक बुनियादी ढांचा है, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो, इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इसे दूरदर्शी बजट बताया और कहा कि ये भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। शाह ने ट्वीट कर आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत का बजट कोरोना के बाद वैश्विक आर्थिक जगत में उत्पन्न हुए अवसरों को दोहन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगा। कैबिनेट मंत्री के दूसरे मंत्रियों ने भी इसे गतिशील बजट बताया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा और एक प्रकार से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होती तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होता। इसी बात को ध्यान में लेकर इसको सर्वोच्च प्राथमिकता वित्त मंत्री जी ने दी है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाला ये बजट विशेष रूप से ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ हमें लेके जाएगा। दिस बजट एक्सेलरेट्स दैट प्रोसेस ऑफ आत्मनिर्भरता एंड इज लेज आउट अ रोड मैप that is built on capital investment by the government to spur the economy and creating equity and welfare and creating the headroom to spend in welfare schemes as the honorable finance minister said. BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बजट की सराहना की। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, यह भारत के युवाओं को और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे युवा राज्य भी है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को इससे और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये नए भारत के निर्माण का बजट है, समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35% से ज्यादा राशि बजट में बढ़ाई गई है। जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने बजट में देश की वेतनभोगी वर्ग और मध्य वर्ग को राहत नहीं देकर उनके साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है, मध्य वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और MSME के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी बजट को निराशाजनक बताया है। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने बजट को पेगासस स्पिन बजट करार देते हुए कहा कि इसमें देश के आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ममता ने ट्वीट किया कि बेरोजगारी और महंगाई से पिस रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हैं और हकीकत में कुछ नहीं, पेगासस स्पिन बजट है। दूसरे विपक्षी दलों ने भी बजट को लेकर सवाल उठाए। देखिए, ना आम आदमी का बजट है, ना किसानों का बजट है, ना महिलाओं का बजट है, ना युवाओं का बजट है, ना बुजुर्गों का बजट है। ये बजट फिर से वही प्रूव करता है कि पॉलिसीज बगैर सोचे समझे ये सरकार करती है और कुछ लोगों का एजेंडा चलाती है। इट्स अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट। दिस बजट एज अगेन एज एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ प्रो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट। Again, incentives have been given to the private sector. In the past years, not expected investment has come from the private. In spite of that, again incentives are given to them. ये बहुत ही निराशाजनक है। मुझे उम्मीद थी कब कि यूपी के चुनाव को देखते हुए शायद कुछ लोगों को दे दें, तब भी नहीं दिया और सब बड़े लोगों को दे दिया। बड़े पैसे वाले लोग जो डायमंड की ज्वेलरी पहनते हैं, जिन घरानों की महिलाएं, उनको लाभ दे दिया। कॉर्पोरेट घराने को कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दे दी। हम लोग जो मीडियम क्लास के लोग हैं, इनकम टैक्स में एक पैसे की छूट नहीं दी।
जब वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ रही थी तो शेयर बाजार कुलांचे मार रहा था, शेयर बाजार में उछाल आ रहा था, लेकिन बजट भाषण समाप्त होते होते तेज गिरावट देखने को मिली। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सरकार ने केवल यथास्थिति को बनाए रखा है, कॉरपोरेट जगत से लेकर आम आदमी तक के लिए कुछ भी खुश होने जैसा शायद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।